नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, टाटा एल्ट्रोज रेसर ऑलरेडी लॉन्च हो गई है और टाटा ने भाई काफी खर्चा यहाँ पे कर दिया है। नारायण कार्तिकेय को भी रखा भाई एंडोर्स करने के लिए और अच्छे खासे इवेंट्स करवाए हैं। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टाटा कि यार उन्होंने वाकई में एक ऐसी कार बनाने की कोशिश करी जो कार एंथुसियास्ट जिन्हें कार भगाने का शौक है उनको थोड़ा फेवर करे, उनको थोड़ा सा मजा है यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने कई जगह ये भी पढ़ा कि कुछ लोग भाई इस कार को फॉक्सवैगन पोलो जीटी से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई टाटा ने अपनी पोलो जीटी बनाई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि यार ये जो कार है, क्योंकि अगर आप इसकी प्राइसिंग देखते हो 11.5 लाख रुपए का इसका जो बेस मॉडल है वो आ रहा है यहाँ पे R1। और अगर हम इस प्राइस पॉइंट तक जाते हैं, हालांकि मैं अभी कंपैरिजन नॉर्मली कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वेरिएंट वाइज नहीं कर रहा, मैं इसको कंपेयर करूंगा महिंद्रा XUV 3XO से। ये कॉम्पैक्ट SUV है जिसने आके ऐसी मतलब हाहाकार सा मचाया है रिसेंट दिनों में। क्या आपको एक्चुअली में 11.5 लाख रुपए लगाकर R3 रेसर लेनी चाहिए? इवन दो दैट्स रियली एन अमेजिंग कार, पर देखो टाटा की कार का जो मेजर फैक्टर है ना वो तो क्या है, वो है सेफ्टी, राइट? पर महिंद्रा कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महिंद्रा 3XO में भी आपको सेफ्टी मिल रही है। दोनों कार्स के अंदर देखो 6 एयरबैग्स आ रहे हैं और दोनों कार्स के अंदर ही आपको ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी मिल जाएगी, क्योंकि पुरानी वाली XUV 300 भी 5-स्टार थी। एंड द थिंग इज, महिंद्रा XUV 300 की जो बेस मॉडल की प्राइसिंग है वो 8.5 लाख रुपए है और कुछ ऐसी चीजें ये कार लेकर आती है 8.5 लाख रुपए में जो चीजें शायद आपको एल्ट्रोज रेसर में मिलने वाली चीजों से ज्यादा यूजफुल लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही होगा कि महिंद्रा XUV 300 का जो व्हील बेस है दैट इज 2600 mm, यानी कि XUV 3XO के अंदर बैठने के बाद आपको जो लेग रूम मिल रहा है, इवन जो आपको विड्थ मिल रही है शोल्डर रूम, ये सारा आपको ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट हेडरूम भी, तो यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपको ज्यादा मिलता है महिंद्रा XUV 3XO में। अब यहाँ पर ना मैंने एक बार अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने टाटा पंच का एक मिड वेरियंट जो कि अराउंड 9.5 लाख रुपए का आता है उसको मैंने ब्रेजा के बेस वेरियंट से कंपेयर किया था। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि यार आप ऐसे क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन करना तो नेक्सॉन के साथ बनता है बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, एंड डेफिनेटली आई एग्री टू इट। पर दोस्तों, मेरे कंपैरिजन करने के लॉजिक थोड़े से अलग होते हैं। मैं हमेशा प्राइसिंग के ऊपर जाता हूं कि किस प्राइसिंग में आपको वो कार मिल रही है और उस प्राइसिंग में आपको क्या मिल सकता है। अब यहां पर देखा जाए तो एल्ट्रोज तो भाई एक हैचबैक कार है, पर 3XO यहां पर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो आपको बेस मॉडल से इतनी चीजें दे रहा है। इनफैक्ट आपको स्टीयरिंग मोड मिलता है, 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। एल्ट्रोज रेसर इतनी महंगी कार होने के बाद भी जिसका प्राइम फैक्टर कार को भगाना है और आपको ब्रेकिंग की बहुत ज्यादा नीड है, वहां पर टॉप वेरिएंट R1 में भी आपको डिस्क ब्रेक नहीं दिए हुए यार। 2 डिस्क ब्रेक 2 ड्रम ब्रेक, यहां पर आपको 3XO में ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। सो अगर सिंपल शब्दों में बात करें कार की डायमेंशन वाइज भी, अगर आप 11.5 लाख रुपए की एल्ट्रोज रेसर को रोड पे खड़ा देखते हो, साथ में कोई अपनी XUV 300 लगा देगा तो दिखने में वो ज्यादा अपीलिंग लगेगी। इनफैक्ट ज्यादा अच्छी लुक नहीं है 3XO की, सब्जेक्टिव है भाई। देखो, अच्छी तो एल्ट्रोज की भी इतनी नहीं है। रही बात ये जो उसके ऊपर स्ट्राइप्स सी जा रही हैं, भाई अब आप शॉप्स पे जाओगे कोई भी लगा देगा आपका, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार रुपए खर्च आएगा। ये स्ट्राइप्स आप लगवा लो यार अपनी कार पे, 3XO पे लगवा लो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर मैं ये कहने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि जो टाटा एल्ट्रोज रेसर है वो अच्छी कार नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यार इतना अगर आपका हार्ड अर्न मनी है तो डेफिनेटली 3XO पे जाना थोड़ी समझदारी हो सकती है। और अगर आप कोई सेकंड कार ले रहे हो भगाने के पर्पज से ही, क्या आप ड्राइव एंथुसियास्ट हो, ऑलरेडी आपके पास एक पहली कार है, तो वहां पर 2 कॉम्पैक्ट SUV या 2 SUV लेने का कोई सेंस नहीं है। तो वहां पर आपको एल्ट्रोज रेसर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो कार है यार कि जो आप सेकंड कार रखना चाहोगे, जिसको आप कभी कभी ड्राइव पे ले जाकर फुल भगाना चाहोगे, पर एज अ फैमिली पर्सन, एज अ मिडिल क्लास गाय, पहली कार आपकी एल्ट्रोज रेसर होना सही नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं पावर की। दोस्तों, आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इन दोनों कार्स की पावर में टॉर्क ज्यादा आपको महिंद्रा 3XO में मिल रहा है। इवन अगर हम इसकी पावर की बात करें, BHP की जो आपको हॉर्स पावर मिल रहा है वो भी सिर्फ 8 BHP ज्यादा मिलता है अगर मैं बेस मॉडल से कंपेयर करता हूँ XUV 3XO के। इनफैक्ट अगर आप ऑल्ट्रोज रेसर का टॉप वेरिएंट लेते हो, 13 लाख रुपए लगाते हो दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये है कि इस कार की रीसेल में आपको बहुत कम पैसा मिलेगा। नो वन विल एवर बाय अ हैचबैक फॉर 13 लाख्स। सो जैसा मैंने कहा, एज अ फर्स्ट कार एल्ट्रोज रेसर इज नॉट अ गुड कार, पर अगर आप एक पैशनेट पर्सन है, सेकंड कार ले रहे हैं, या फिर आप पैशनेट पर्सन ये यू डोंट केयर अबाउट मनी, आप कोई दूसरी कार भी ले सकते हैं बाद में, सो डेफिनेटली वहां पे एल्ट्रोज रेसर लेना एक समझदारी वाली बात है।
यहाँ पर दोस्तों 14 लाख रुपए में आपको AX5 लग्जरी मिल जाएगा, जहां पे आपको TGDI इंजन मिलता है। और ये TGDI इंजन भाई इतनी पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि Altroz रेसर उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करती। क्योंकि देखो दोस्तों है तो उसमें नेक्सोन का इंजन ही, पर दोस्तों मैं अभी भी अपने पॉइंट पे स्टिक रहूंगा, एज अ मिडिल क्लास घर में पहली कार आई विल नॉट रेकमेंड टाटा Altroz रेसर। दूसरी कार एज एंथुसियास्ट पर्सन ड्राइविंग और फाइनेंशियली सिचुएशंस बिल्कुल ठीक है, या फिर अपनी चॉइस अगर आप फैसला ले रहे हो कि नहीं यार मुझे तो यही लेनी है चाहे 13 लाख की पड़ती हो, तो वहां पर कुछ भी सही गलत नहीं होता। तो अगर आपको एडवाइस चाहिए ही नहीं, यू जस्ट लाइक टाटा Altroz रेसर, तो वहां पर कुछ भी गलत नहीं है भाई। मेरी वीडियो तो क्या, किसी भी वीडियो को देखकर टाटा Altroz लेने के प्लान को ड्रॉप मत करो, जाके ले लो। पर अगर आप एक रिकमेंडेशन के तौर पे पूछना चाहेंगे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे Altroz रेसर, आई विल डेफिनेटली चूज महिंद्रा 3XO। दोस्तों दोनों ही कार्स के अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है, दोनों ही कार्स के अंदर 1.2 लीटर का इंजन है, और अगर हम पावर की बात करें तो Altroz रेसर की थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स को जरूर देख लेना। अब अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टाटा Altroz की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम है, और आज की डेट में देश का प्राइम मुद्दा ये है कि यार हमें तो ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, हम नहीं चाहते हमारी कार नीचे से कहीं टकराए। सो अगर हम XUV 3XO को देखें, ग्राउंड क्लियरेंस तो इसकी भी उतनी नहीं है, इससे ऊपर की भी आ रही है कॉम्पैक्ट SUV में, 205mm नेक्सॉन में आता है, आई थिंक इवन टू उसके आसपास ही सोनेट का भी आ जाता है। तो यहाँ पर यार अगर आप देखते हो, अगर मैं 180mm भी बोलता हूँ कि XUV 3XO की आ रही है इस वाले वेरियंट के, क्योंकि अपर वेरियंट्स में टायर साइज बड़ा है तो वहां पर 201mm हो जाती है ग्राउंड क्लियरेंस 3XO की। सो 180mm भी काफी सही है यार, एज कम्पेयर टू 165mm जो आपको Altroz रेसर में मिलती है, तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो दोनों कार्स में 16 इंचेस के अलॉय मिल जाते हैं अगर मैं बेस मॉडल को कंपेयर करता हूं तो, पर यहां पर जो टायर की थिकनेस है दोस्तों वो 205 मिलती है आपको XUV 3XO में, तो जो टायर थोड़ा सा मोटा आपको मिलेगा दिखने में, जो अच्छा लगता है बल्की टाइप, वो आपको 3XO में मिलेगा वर्सेस Altroz रेसर। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ पे सिर्फ टाटा Altroz रेसर की बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में दो बातें कह रहा हूँ, आई होप मेरी दोनों बातों पे गौर कर रहे हो। Altroz रेसर कोई भी बुरी कार नहीं है, यू कैन से इवन इट्स मोर ऑफ अ प्रीमियम कार, प्रीमियम हैचबैक जो आपको ज्यादा अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स दे रही है बाकी किसी और हैचबैक से। सो मेरी रिकमेंडेशन खाली ये है, अगर आप काफी हार्ड एंड मनी जोड़कर कार लेने की कोशिश कर रहे हो, सो ट्राई नॉट टू बाय टाटा Altroz रेसर, पर अगर आप सेकंड कार ले रहे हो सो नॉट टू मिस टाटा Altroz रेसर। दोस्तों अगर हम माइलेज की बात करें तो दोनों ही कार्स की माइलेज आपको आसपास ही मिलेंगी, क्योंकि दोनों ही कार्स के अंदर टर्बो इंजन लगे हुए हैं 1.2 लीटर के। तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार महिंद्रा 3XO की थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यस अगर मैं TGDI की बात करूं पर वेरिएंट की, तो वहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा माइलेज मिल सकती है Altroz रेसर से डेफिनेटली। और आज ही मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला था कि किस कंपनी की कस्टमर सर्विस सबसे ज्यादा अच्छी है, तो देखो टॉप पर तो जो भी कंपनी है मैं उसका नाम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, पर यहाँ पर महिंद्रा और टाटा में से जो रेटिंग आई है आसपास की ही आई है, काफी सारे लोगों ने मिलकर वोटिंग करी थी, सो 8-10% वोटिंग के आसपास चल रहा है टाटा महिंद्रा का, टॉप प्लेयर कोई और है। अगर आप वो देखना चाहते हो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और जाके हमारे पोल्स वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो, वीडियो को जरूर लाइक करना देखते हुए। दोस्तों अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यार महिंद्रा 3XO का तो वही हिसाब चल रहा है कि आप पार्सल ट्रे हटा दीजिए तो आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट अगर बाकी पार्सल ट्रे हटा देते हैं तो दो फुल साइज बैग, दो छोटे बैग वहां पे उसमें आ सकते हैं, मैंने स्टोर्स पर जाके चेक किया हुआ है। सो अगर हम प्रैक्टिकल बूट स्पेस की बात करें कि पार्सल ट्रे लगा के भी किसका ज्यादा है, तो वो Altroz का ज्यादा हो जाता है। अगर आप पार्सल ट्रे हटा देते हो तो लगेज आपके 3XO में भी आ जाएंगे, सो वहां पे भी आपका काम चल जाएगा। दोनों कार्स की अगर लेंथ की बात करें, लंबाई बराबर है Altroz की भी और 3XO की भी, पर ऊंची चौड़ी और अंदर से ज्यादा बैठने का जो स्पेस है आपको 3XO में मिलता है। लास्ट में अगर हम बात करें दोनों ही कार्स के ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो यार डेफिनेटली दोनों ही कार्स अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स प्रोवाइड करने वाली है आपको, क्योंकि Altroz रेसर बनाई इसी हिसाब से है कि आपको बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स दे। पर महिंद्रा 3XO भी कम नहीं है भाई, ये कार भी भगाने में बहुत बटरी लगती है, बहुत ही प्यारे तरीके से भागती है। इनफैक्ट अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल सस्पेंशन आपको महिंद्रा 3XO का मिलेगा। उसका रीजन ये है, एक तो बड़ी कार है तो सस्पेंशन की यूनिट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और क्योंकि आपका बैठने का जो कमांडिंग पोजिशन है, इवन पैसेंजर्स का जो व्यूइंग पॉइंट है, वो थोड़ा सा एक अच्छी एयरी फीलिंग देता है, तो ज्यादा कंफर्टेबल आपको लॉन्ग ट्रिप्स में या फिर मैं बोलूं कि गड्ढे वगैरह में 3XO में फील होने वाला है। और अगर मैं कंपेयर करता हूं टाटा Altroz के सस्पेंशन को बाकी हैचबैक्स से, तो डेफिनेटली टाटा Altroz का सस्पेंशन बेटर है एज कंपेयर टू नॉर्मल हैचबैक्स जो आते हैं अपनी i20 वगैरह। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अगर आपको मौका मिलेगा Altroz रेसर खरीदने का,
या फिर महिंद्रा XUV 300, तो आप कौन सी कार लेना पसंद करोगे? और कमेंट में अपने डाउट्स या क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर।